स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं डॉक्टर सुधीर तोमर। पिछली वीडियो में आपने देखा है, और चूंकि आप बहुत डिमांड कर रहे हैं इक्विलिब्रियम साम्यावस्था हिंदी मीडियम में, कोशिश करेंगे इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए दिया जाए। जान लेते हैं साम्यावस्था है क्या। एक्चुअली 11th में सबसे बड़ा जो चैप्टर है, और खास करके आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न इस अध्याय में सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा फोबिया रहता है। सारा फोबिया इस वीडियो में दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इक्विलिब्रियम क्या है, और बाकी की चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। इक्विलिब्रियम हिंदी में इसको बोलते हैं साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम है क्या? इक्विलिब्रियम एक्चुअली कुछ लोग इसको समझ लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ इक्वल, ये बिल्कुल नहीं होता। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल बिल्कुल नहीं होता। दो चीजें इक्विलिब्रियम को समझाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वो इसके बारे में जान लें। एक तो इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल यानी के उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इनको आपको जानना जरूरी है। रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही सेटअप होगा, इरिवर्सिबल में नहीं होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है, अनुत्क्रमणीय वो होती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और बस वापस प्रोडक्ट ब्रेक नहीं होगा रिएक्टेंट में। ऐसी अभिक्रियाएं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में मूव करती हैं उनको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और वो रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शन में मूव करती हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहली बात जो मैंने बताई, एक तो ये कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो जानना बेहद जरूरी है वो ये कि जो कंटेनर है जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं वो क्लोज कंटेनर होना चाहिए। क्लोज कंटेनर यानी कि बंद तंत्र आप कह सकते हैं उसको, क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज कंटेनर है तो ही इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, ओपन में बिल्कुल नहीं होगा। पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि मकान की नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग ऊंची बनाई जा सकती है। ठीक उसी तरीके से अगर बेसिक बहुत स्ट्रोंग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। अब ये देखिए, सपोज मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं वापस जहाँ था वहीं आ गया, आप क्या कहेंगे इसको, रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल बिल्कुल नहीं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप देखिए, जब मैं आगे बढ़ रहा था और जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मेरी डायरेक्शन ये है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन यहाँ आ गया, तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई। अगर मैं अपने आप को 3 कदम आगे चलता हूं और 3 कदम मैं पीछे चलता हूं, अब मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की, क्या कहेंगे? ये भी इरिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। क्यों? जवाब यह है कि अगर गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक कर दें, फर्स्ट गियर लगाया फिर बैक गियर लगाया, उसी कंडीशन में गाड़ी को ले आए, 20, 30, 50, 100 बार ऐसा कर दीजिए तो बहुत कुछ डैमेज हो रहा है। हाउ यू कैन से, अगर मैं आप इसको रिवर्सिबल माने कि मैं ऐसे गया और वही कदम वापस आए, तो मैं आपको कहता हूं कि आप 100 कदम आगे चलिए और 100 कदम ऐसे ही पीछे आइए, फिर मैंने कहा फिर 100 कदम आगे चलिए, तो एनर्जी वेस्ट होगी कि नहीं होगी? 1-2 बार के में आप थक जाएंगे, आप सॉरी कहेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जा रहे हैं तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वापस आ रहे हैं तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। अब सोचेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया फिर चीज क्या है। डेफिनेशन ये कहती है कि सच ए रिएक्शन
which can come back just as it was in forward direction. एक ऐसी अभिक्रिया जो पश्च दिशा में भी चलती हो लेकिन ठीक उसी कंडीशन उसी स्थिति सब कुछ वही हो जो फॉरवर्ड जो अग्र दिशा में जाते हुए उसके साथ हो रहा था. ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया. उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा. अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको समझ में आ गया है. बात करेंगे साम्यावस्था की. बंद तंत्र में तो होता ही नहीं है, सॉरी खुले तंत्र में तो होता ही नहीं है, क्योंकि अगर खुले तंत्र में आप किसी पानी को बॉयल कर रहे हैं, जल उबल रहा है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, वापस नहीं आएंगी. लेकिन अगर कंटेनर बंद है तो वो वेपर फिर से कंडेंस होकर के उसी कंटेनर में लाई जा सकती है, तो उसको साम्यावस्था वहां पर प्रदर्शित हो सकती है. साम्यावस्था कई तरीके से आप देख सकते हैं. ठोस और द्रव के बीच में हो सकती है, द्रव और गैस के बीच में हो सकती है, ठोस और गैस के बीच में हो सकती है. कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप साम्यावस्था को देख सकते हैं. साम्यावस्था वही प्रश्न फिर से आपके सामने आके खड़ा हुआ है, होती क्या है. अगर कोई रिएक्टेंट जैसे ये R है P में कन्वर्ट होता है, R P में हो गया और P वापस R में कन्वर्ट हो गया, तो बहुत मेरे मित्र ऐसे होंगे जो ये समझते हैं कि वो कंडीशन जब ये 50-50 हो जाएगा उसको हम साम्यावस्था कहते हैं. बिल्कुल नहीं कहते हैं. हो सकता है कि 50-50 पर भी साम्यावस्था स्थापित हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है. यह भी हो सकता है कि साम्यावस्था, यह भी हो सकता है कि यह 40 हो और यह 60 हो, यह भी हो सकता है कि यह 60 वो 40 हो. पता कैसे लगाएंगे? हमने कोई रिएक्शन स्टार्ट की और जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो था ही नहीं, आपने रिएक्टेंट लिया और रिएक्शन शुरू कर दी. जैसे जैसे टाइम बढ़ा आपने कुछ समय के बाद, मान लिया 5, 10, 20 या 1 मिनट के बाद आपने चेक की रिएक्शन, आपने देखा प्रोडक्ट कितना बना है. आपने मान लिया इसका 100 मोल लिए थे, आप देखते हो कि प्रोडक्ट 10 मोल बना है और रिएक्टेंट रह गया 90 मोल. आपने थोड़ी देर के बाद में फिर चेक किया, आपने देखा कि ये 30 बन गया है, ये 70 रह गया है. 5 मिनट में आपने इतना देखा. आपने फिर इसको 7 मिनट बाद चेक किया, 10 मिनट बाद चेक किया, 20 मिनट बाद चेक किया, लेकिन आप ये देखते हो कि इसके बाद अगर इसमें जो मोल है वो चेंज होना बंद हो जाए, ये 30 और 70 पे ही रुक जाए, तो उस कंडीशन को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है. मतलब इक्विलिब्रियम का ठीक ठीक ये एग्जाम्पल बना कि वो कंडीशन जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो स्थिर हो जाए. जब वो स्थिर हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन. अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है? नहीं, रिएक्शन अभी भी कंटिन्यू चल रही है. कैसे चल रही है, कैसे पता लगाएंगे, बताता हूं. लेकिन इसको हम नाम देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऐसी साम्यावस्था जो चलती रहती है, लेकिन ऐसी रिएक्शन जो चल रही है लेकिन साम्यावस्था स्थापित हो चुकी है. यानी कि रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट, बट रिएक्शन इज कंटिन्यू स्टिल. वो अभी भी चल रही है. प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस टूट रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में. इसका मतलब ये भी हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन
कांस्टेंट हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, जितने मोल प्रोडक्ट में बन रहे हैं उतने ही मोल रिएक्टेंट में वापिस आते हैं। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, दोनों स्थिर हो जाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। अब समझ में आई है चीज आपको? एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं और उम्मीद कर रहा हूं उसके बाद पूरा समझ में आपको आ जाएगा। कल्पना कीजिए एक बाइसिकल चल रही है, बाइसिकल चल रही है और आप एक सीन वहां पर देख रहे हैं। सीन ये है कि जैसे बाइसिकल वाला साइकिल को, पेंडल को घुमा रहा है, आपने फोटो लिए और आपने ये देखा कि जितनी कड़ी बड़ी चेन, बड़ी चक्री के ऊपर हैं, उनकी संख्या को काउंट किया और जो छोटी चक्री है उसकी संख्या को काउंट किया। आपने देखा कि छोटी चक्री पर जितनी कड़ी है और बड़ी चक्री पर जितनी कड़ी है उनका रेशियो समान है। मैंने कहा भाई ये चलती हुई साइकिल थोड़ी है, आपने जो ये फोटो लिया है ये तो किसी एक रुकी हुई बाइसाइकिल का आपने फोटो लिया है। आपने कहा नहीं। अब आपने अगली बार मुझे क्या दिखाया कि आपने उनमें से जो ये चक्री थी, बड़ी चक्री और जो छोटी चक्री, इन पर जो चेन इस तरीके से घूमती थी, आपने एक कड़ी को लाल रंग से पेंट कर दिया और एक को हरे रंग से पेंट कर दिया। अब आपने ये देखा, मैंने देखा, आपने जो फोटो मुझे दिखाया कि एक फोटो में ये हरे रंग की चक्री यहां है, एक में यहां है, एक में यहां, एक में यहां, एक में यहां, उसी प्रकार लाल रंग की चक्री जो है पॉइंट्स वो चेंज हो रहा है। तो मैंने माना कि हाँ भाई रिएक्शन तो वो स्टेप, वो तो मूव हो रहा था, वो मूवमेंट में थी, वो चल रही थी। लेकिन आप किसी भी उसमें देख लीजिए, फोटो में जितनी कड़ी यहां पर होंगी वो अपॉन ये, उनका रेशियो कांस्टेंट है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको ये समझना है कि साम्य अवस्था क्या होती है, तो मुझे लगता है इससे अच्छा उदाहरण आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो प्रोसेस तो चल ही रही है ना, चक्री तो घूम रही है, दिस कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूं कि ये तो समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और आपकी लाइफ में कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती, ये केमिकल में ही पॉसिबल है, क्योंकि लाइफ में तो टाइम वापस नहीं आता, तो इसलिए यहां तो सब कुछ इरिवर्सिबल मैनर में चलता है। जो आपने टाइम को कैच कर लिया ठीक है, नहीं कैच कर पाए तो वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, केमिकल लाइफ में ही, केमिकल के केस में ही पॉसिबल है ये। अभी जो मैंने बोला, दो पॉइंट मैंने दिए, डेफिनेशन ये दी इक्विलिब्रियम की कि इट इज कंडीशन एट विच रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बिकम कॉन्स्टेंट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। साम्य अवस्था वह अवस्था होती है जिस पर जो उत्पाद हैं उनकी सांद्रता और रिएक्टेंट की सांद्रता का अनुपात स्थिर हो जाता है, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो अग्र दिशा में जाने वाली अभिक्रिया का रेट, अभिक्रिया की दर, जब पश्च अभिक्रिया में आने वाली अभिक्रिया के दर के समान हो जाता है, दोनों स्थिर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मानते हैं एक रिएक्शन हमने ली है, ए मॉलिक्यूल ऑफ
जैसे 2H, अगर हम यहाँ पर 2H2 लिखें तो मोल कितने ले रहे हैं, तो जो स्मॉल लेटर है वो डिनोट करता है मोल कितने लिए हैं, और A रिएक्टेंट है, B है, और स्मॉल C ऑफ द C एंड D ऑफ द D. ये कोई एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने ले ली है यहाँ पर, कोई भी सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया. इसके लिए देखेंगे, अभी मैंने कहा रेट, अब रेट को R से डिनोट करते हैं. जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर जो रेट होगा वो RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और कांस्टेंट उसके लिए होगा KF. जब वापस आएंगे तो रेट RB और रेट कांस्टेंट उसके लिए KB, इस तरीके से आप लिखेंगे. तो इतना तो आप पढ़ के आए हैं पहले कि रिएक्शन की जो रेट, जो स्पीड है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है, कितने टाइम में कितने मोल ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. रेट क्या होगा किसी रिएक्शन का, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने आपने लिए हैं, या ये कहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या है. अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया का रेट निर्धारित होता है. सेम उसी प्रकार जब वो प्रोडक्ट बन गया और रिएक्शन वापिस चलती है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो रिएक्टेंट का काम करने लगते हैं. जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की तो एकदम से ये तो जीरो था, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होगा, और समय के साथ साथ ये बढ़ना शुरू होगा, तो धीरे धीरे इसका रेट भी बढ़ता जाएगा और इसका रेट घटता जाएगा. KF जो मैंने यहां पे लिखा, आपने अब मैं R लिख देता हूं, ये घटता जाएगा टाइम के साथ साथ और ये बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ. और हमें इंतजार है उस कंडीशन का जिस कंडीशन पर दोनों का रेट कांस्टेंट हो जाएगा. वही तो साम्यावस्था है. लिख के देखते हैं. हमने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अग्र अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रता पर. और ये जो कोफिशियंट मैंने पावर में लिया है वो बिल्कुल एकदम उसके घात के रूप में लिखा जाता है, कितने मोल लिए हैं उतना टाइम्स. और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो C to the C एंड D to the D. यहां ये मैं बता देता हूं आपको, ये जो ब्रैकेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है एक्टिव मास. क्या मतलब है इसका, एक्टिव मास यानी के सक्रिय द्रव्यमान. क्या होता है सक्रिय द्रव्यमान, मोल कितने हैं जिसके लिए सक्रिय द्रव्यमान निकालते हैं, और कितने आयतन में है. कुल मिलाकर के सांद्रता ही हुआ, कंसंट्रेशन ही हुआ, तो वही मैंने इस्तेमाल किया है इसके लिए एक वर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर ए. ठीक इसी प्रकार, और ये निश्चित हो गया है, एक कांस्टेंट यहां ले लेते हैं, RF इज इक्वल टू KF ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी. ये एक रिएक्शन है. दूसरी रिएक्शन आप देख रहे हैं, यहां भी कांस्टेंट हमने ले लिया है KB सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. जब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो उस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के समान होगा कि नहीं होगा. वीडियो समाप्त होने को है, इससे आगे का भाग आप अगली वीडियो में देखिएगा.